निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य पद स्वामी कैलाशनंद गिरिजी महाराज का चंदौसी में धर्म सभा में सम्मिलित होने जाते हुए भाजपा नेता नरेश यादव के कैंप कार्यालय सम्राट बैंकट हॉल हाथीपुर में धर्म प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बुधवार को शाम के समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और भक्तों ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य पद स्वामी कैलाशनंद गिरिजी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया, जयकारे लगाए। इस अवसर पर महाराज जी कुछ देर के लिए मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव नहीं महोत्सव है, धन्य है अयोध्या जो सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर है और जिसका प्रभु राम ने भी प्रशंसा किया है। संत जी बोले कि सभी संतों के आराध्य भगवान शिव हैं, परंतु भगवान शिव के आराध्य श्री राम हैं। इसलिए समस्त संत इस महोत्सव में सम्मिलित होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि सभी सनातनी अपने घरों में 22 जनवरी को भव्य दीपावली मनाएं, मंदिरों में कीर्तन सुंदरकांड आदि करें। उन्होंने कहा कि नरेश यादव सरल सहज होने के कारण जनप्रिय हैं, जनता की सेवा में रत हैं, इसलिए हमारा विशेष आशीर्वाद है कि इन्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो। उन्होंने सभी बिलारी क्षेत्र वासियों को विशेष आशीर्वाद दिया और स्वागत से अभिभूत होकर आभार भी जताया। इस अवसर पर राम सिंह बानप्रस्थी ने उन्हें गायत्री परिवार का साहित्य भेंट किया। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा नेता नरेश यादव, सेवा भारती जिला अध्यक्ष पंडित विनोद कुमार मिश्र, निखिल यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष विकास यादव, युवा अध्यक्ष निखिल पांडे, योग शिक्षक निहाल सिंह, विभु शर्मा आदि लोग शामिल रहे। और इस अयोध्या में भगवान राम स्थापित हो रहे हैं, वो अयोध्या कोई साधारण भूमि नहीं है, साधारण भूमि नहीं है। अयोध्या वासी न सर्वे जगन्नाथ मूर्तय, अयोध्या के जो वासी है पशु पक्षी के लिए भी प्रमाण आया है कि अयोध्या के जो पशु पक्षी ही हैं वो भी जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है, जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान है। इसलिए अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। बड़े बड़े साधु संत अलंकृत भाषा में कहते हैं कि अन्यत्र का सिद्ध अयोध्या का गिद्ध बराबर है। तो अयोध्या सप्तपुरियों में सबसे पहली पुरी है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती चैव सप्तिका मोक्षदायिका, इन सप्तपुरियों में हरिद्वार जो अयोध्या है वो सबसे पहली पुरी है। और भगवान राम अयोध्या के लिए बताते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जानै कोउ, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी मम धामदा पूरी सुख राशि, हर से कपि सब सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। अयोध्या धन्य है जिसकी प्रशंसा भगवान राम स्वयं कर रहे हैं, उस अयोध्या का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संपूर्ण सनातनियों के लिए आज इतने सन्यासी परंपराओं की, मैं तो सन्यास परंपरा का आचार्य हूँ और सन्यास परंपरा का आचार्य होने के नाते हमारे आराध्य भगवान शिव हैं, लेकिन शिव के जो आराध्य हैं वो राम हैं, शिव के जो आराध्य हैं वो भगवान राम हैं। इसलिए हर परंपराओं को मानने वाले साधु संत सज्जन संत और सनातनी के लिए आज गौरव और हर्ष का विषय है कि भगवान राम 22 जनवरी को अयोध्या में हमारी आंखों के सामने भगवान राम वहाँ विराजमान हो रहे हैं। जो लोग आमंत्रित हैं वो वहाँ सामने से देख पा रहे हैं, जो आमंत्रित नहीं है वो आपके माध्यम से टीवी के माध्यम से पूरी दृश्य को लाइव देख पाएंगे। और संघ विश्व हिंदू परिषद संगठन और भारत पर भारतीय परंपराओं को मानने वाले जो लाखों साधु संत हैं जिन्होंने आज सदियों से राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, मुझे लगता है जो आज हैं वो अत्यंत आह्लादित होंगे, जो आज नहीं हैं वो निस्संदेह, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं, आत्मा
आजर अमर है, आत्मा आजर माँ है, आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही है और हम उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो इच्छा रही होगी आज वो इच्छा पूरी होने जा रही है। और इसके लिए हम सभी इस सदी के जो इस दशक के और सदी के जो लोग हैं वो भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान राम स्थापित होंगे।